तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। न्याय के देवता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी होगी। दोस्तों आज शाम 4 बजे के बाद न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपकी जिंदगी में करेंगे बहुत बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य का ताला खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में राजयोग, गजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि दोस्तों आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की बारिश होगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं रहने वाला है। सारे दुख दर्द न्याय के देवता भगवान शनिदेव अब दूर करने वाले हैं और यह सब परिवर्तन देखकर आपके दुश्मन अंदर ही अंदर अब जलकर खाक होने वाले हैं। आपकी तरक्की देखकर दुश्मनों की आंखों से रात की नींद और दिन की चैन उड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको भगवान शनिदेव की ओर से बहुत बड़ा वरदान मिल चुका है, जो कि दोस्तों अब आपका सभी सपना सच होने वाला है, आपके सभी सपने हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले समय में जो मेहनत किए थे, जो परिश्रम किए थे, उनका फल अब आपको अभी तक नहीं मिला था। न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके सभी कर्मों का हिसाब कर चुके हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का एक साथ फल प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो इंसान पूरी लगन से मेहनत करते हैं, उनका फल एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलकर ही रहता है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव सबको समान भाव से देखते हैं। उनके सामने कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं होता है, उनके लिए सब समान भाव है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आती है तो घबराइए नहीं, शांत मन से उनका समाधान ढूंढिए, क्योंकि भगवान उस समय आपकी इम्तिहान लेते हैं और यह देखते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, उसी के अनुसार आपको बड़े मुकाम तक लेकर जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के यह अनमोल विचार अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह समय से भगवान शनिदेव आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, आपको अपने जीवन काल में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। दोस्तों आपकी कुंडली का सारा ग्रह दोष खत्म हो गया, सबसे तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, आज आपको कई जगहों से धन लाभ होगा, आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको लाभ होगा। बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े कार्य आज आप आसानी से पूरे कर सकते हैं, आज आपको व्यापार में लाभ होगा। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर आप नौकरी के लिए या लोन के लिए कहीं आवेदन किए हैं तो वहां से आज आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका बना रहेगा और जो बड़े अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनका सहयोग मिलेगा और उनकी आंखों का तारा बनेंगे आप। और जो लोग संगीत से जुड़े हैं, गायन हैं, तो आज आपको विशेष लाभ होगा। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी, आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है। जी हां, और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और यह समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो हमने कहा है कि घोड़े से भी तेज चमकेगी आपकी किस्मत, क्योंकि दोस्तों रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, जरूरत है बस आपको निरंतर मेहनत प्रयास करने की। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे, अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं, हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें, सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा।
आज आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे आज खत्म हो जाएंगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकती हैं। अगर आप इनके प्रति लापरवाह रहेंगे तो ये गंभीर समस्याओं में बदल सकती हैं। समय पर इनके समाधान के उपाय कर लेने से आप आसानी से इनसे बच सकते हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाई करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें। ये जल्द ही अपने पक्ष में होगा। आज आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे ले। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहे। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियों खोजें। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाएं, तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। आज आप अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण बहुत व्यस्त रहेंगे। समारोहों या घरेलू उपलक्ष्यों के कारण आपका सारा समय उसी में जा सकता है, जिसके कारण आज आप सामाजिक प्रतिबद्धता का आनंद लेंगे। आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक बिखेरेंगे। इस समारोह के कारण आपको कोई पुराना माध्यम मिल सकता है या आप किसी पुराने व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज का दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इस बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगी। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिरदर्द आदि हो सकती हैं। कलाई या उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड्डी डीएच जाएगा। निराश ना हो, यह सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें। इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। आपके सितारे आपको अपने सपनों के राजकुमार से मिलाने की स्थिति बना रहे हैं। वह काफी साहसिक होगा, होगी उनकी खुशमिजाजी भी देखने लायक होगी। जैसा आप सोच रहे थे वह बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके काफी करीब होगा। इसीलिए उसके लिए अपनी पसंद जाहिर करने में न हिचकें और लगे हाथ अपनी भावनाओं का इशारा भी दे ही दें। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है।
लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहे, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से न फायदा न नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आज अनुशासन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आज का दिन आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने खर्च करने की आदत में बदलाव लाना होगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर किसी बड़े निवेश को कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी वाहन को आप अपने घर खरीद कर ला सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो उनकी कोई पुरानी बीमारी उन्हें फिर से उभर सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा। आप मन से परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के सामने आप प्रसन्न नजर आएंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आज का दिन आपके लिए संयम से काम लेने के लिए रहेगा। यदि आप किसी काम को करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपको उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। किसी बात को लेकर क्रोध ना दिखाएं, नहीं तो आपकी यह आदत लोगों को पसंद नहीं आएगी। आपके आस पड़ोस में किसी बात को लेकर बेवजह का लड़ाई झगड़ा पनप सकता है और आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके काम लटक सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर सकते हैं। आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। इसके अलावा दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनानी होगी। विद्यार्थी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। आप पुरानी रीति रिवाज को छोड़कर कुछ नए को अपना सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है, भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो।
आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका अकद्धा 1936 का रहा है, और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ डीएच रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तपोपारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप पेय पदार्थों जैसे चाय कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हो, तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें। इसके लिए अगर रोज न हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग के लिए जरूर रखें। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों की, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, दूर हवन कराने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन की विभूति से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप हवन की भस्म को घर या दुकान के चारों ओर छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और यह नजर दोष के लिए भी प्रभावी है। नजर दोष उतारने के लिए हवन की भस्म को भी प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय छोटा है लेकिन यह बहुत ही चमत्कारी है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में न हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पिएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव न लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिएं। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है,
आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती हैं। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। आज का दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने, आपके लिए सर्वोत्तम होगा।